दसवीं और बारहवीं बोर्ड की परीक्षाओं को देखते हुए प्राइवेट स्कूलों ने फीस वसूली का दबाव बढ़ा दिया है। प्रत्यक्ष पढ़ाई नहीं होने के बावजूद स्कूल कॉलेज छात्रों से जबरन पूरी फीस की वसूली कर रहे हैं। इसे लेकर मुंबई के कई इलाकों में अभिभावकों का धरना प्रदर्शन भी चलने लगा है। हालांकि कोई सुनवाई नहीं हो रही है। स्कूल प्रबंधन इस बात की धमकी दे रहे हैं कि अगर फीस नहीं भरी गई तो उनके बच्चे बोर्ड एग्जाम में नहीं बैठ सकेंगे। अभिभावकों और बच्चों की इस परेशानी को लेकर मुंबई पुनर्वसन सामाजिक संस्था के अध्यक्ष दशरथ भगत ने सरकार और शिक्षा मंत्री से दखल देने और छात्रों की टेंशन कम करने की मांग की है।